पठान में सलमान खान बचाएंगे शाहरुख को, टाइगर 3 की ये है प्लानिंग। बॉक्स ऑफिस पर जब बॉलीवुड के बड़े सितारों की फिल्में बैठ रही है तो उन्हें बचाने के रास्ते भी ढूंढे जा रहे हैं। बड़े सितारे अब पूरी तरह से फैंस के भरोसे हैं। यही कारण है कि वे अपने साथ साथ दूसरे सितारों के फैंस को भी संग जोड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए वे एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो रोल कर रहे हैं। बीते अगस्त में शाहरुख खान आर माधवन की रॉकेट्री, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में नजर आए। खबर है कि उनकी आने वाली फिल्मों में सलमान खान कैमियो रोल में नजर आएंगे। शाहरुख और सलमान आज अच्छे दोस्त हैं। बीते कुछ समय से दोनों एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार पठान के दृश्य में सलमान कैमियो रोल में दिखेंगे। जब वो हेलीकॉप्टर से लैंड करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में घिरे शाहरुख खान को बचाने के लिए आसमान से उतरेंगे। वहीं जहां तक सलमान की टाइगर 3 में शाहरुख के कैमियो रोल की बात है तो अभी साफ नहीं है कि उनका रोल क्या होगा। ये फिल्म पहले अगले साल ईद पर 21 अप्रैल को रिलीज होनी थी, परंतु अब इसे अगले साल दिवाली तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। संदीप नाम के शख्स ने ट्वीट किया, पठान की जान बचाने आ रहा है टाइगर। अजीत नाम के शख्स ने ट्वीट में दावा किया, मूवी 100% फ्लॉप होगी। बता दें फिल्म में इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि शाहरुख का निर्देशक मनीष शर्मा की इस फिल्म में कैमियो करना तय है और उन्होंने इसके लिए एक हफ्ते का समय भी दे दिया है। सलमान के पठान वाले रोल की तरह शाहरुख का कैमियो भी एक्शन से भरपूर रहेगा, लेकिन अभी इसकी डेट्स फाइनल की जानी है। डायरेक्टर उन तारीखों का इंतजार कर रहे हैं जब शाहरुख और सलमान दोनों के पास टाइगर 3 की शूटिंग के लिए समय हो। सलमान खान की फिल्म में शाहरुख खान के कैमियो करने को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर मजेदार अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।